हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं अचानक आपको कहाँ ले आई। जैसे कि आपको पता है कि मैं शादी से पहले ब्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन मेरे कई मेमोरीज हैं जो मैं अभी भी आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि ब्लॉगिंग तो करती नहीं थी, तो बनाने भी कहाँ थी वीडियो। लेकिन मेरे को ऐसा होता कि आप लोग भी कुछ मिस ना करो और मेरी मेमोरीज भी कुछ मतलब ऐसा हो कि कैप्चर करके रखी हुई हो और उसको मैं शेयर ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने सोचा चलो आज आपको अपनी शादी की सीरीज में लेकर जाया जाए। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी का दिन है। ये थोड़ा सा अजीब सा लोकेशन लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपको पता है मेरी शादी चंडीगढ़ में नहीं हुई थी, मेरी शादी हुई थी उत्तराखंड में। तो वहाँ पे क्या सिस्टम था कि इतना कुछ था नहीं अपने हिसाब से, मतलब कर नहीं पाए हम, क्योंकि हम शादी के कुछ ही दिन पहले गए तुरंत और उसके बाद शादी होगी। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो पाया वो हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है मस्त, और जो फोटोग्राफर भैया थे उन्होंने एडिटिंग खतरनाक कर रखी। आप देख सकते हो फूल पत्ते अपने आप गिर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे, मेरी दादी पापा और सब, ये मेरे चाचू हैं और मेरी मम्मी को तो आप जानते हो कितनी सुंदर लग रही, प्यारी प्यारी सी मेरी शक्ल की है। तो ये मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, मतलब मेरी जेठी माँ, ये मेरे नानू हैं और मेरे भैया और दीदी, ये है मेरी बड़ी मम्मी के बच्चे। और यहाँ पे आई मेरी छोटी चाची और चाचे के बच्चे, एक लड़की और थी वो सो गई थी शायद, मेरे दादू लगते हैं रिश्ते में, मेरी फ्रेंड। तो शादी में मैंने सबको बुलाया था, जिनको जानती भी नहीं थी वो भी आए थे, जिनको जानती थी सब आए थे, क्योंकि गाँव में तो रहे नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं थी, वो लोग भी आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। और अब तो मुझे सारे ही जानते होंगे जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी। पहले तो इतने लोगों से ज़्यादा मिलाप वगैरह था नहीं, लेकिन अब तो मैं चाहे मतलब किसी को जानो ना जानो, लेकिन दूसरा बंदा मुझे पहचानता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे एक एक करके सब आई, मेरी दोनों प्यारी प्यारी दादी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं छोटी दादी और बड़ी दादी, सबके साथ फ़ोटो खींची और अपनी मेमोरीज कैप्चर की ऐसे करके। तो यहाँ पे अभी फ़ोटो शूट ही चल रहा है, आपको देखने को मिलेगा। जितने भी रिश्तेदार हैं मेरे सब आएंगे एक करके और फ़ोटो खींच के तुरंत ससुर से वापस चले जाएंगे। शादी का टाइम एक ऐसा होता है कि नर्वस मतलब उसका लेवल ही अलग होता है। तो मैं मेहंदी तो मेरी कब की लग गई थी, इसलिए इसमें मेहंदी लगा का नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि मेरी मेहंदी दिन में लग चुकी थी। आपको पता है लड़कियों के हाथ पैर में कितना टाइम लगता है। तो ये मेहंदी भी मेरे किसी फ्रेंड ने लगाई थी, जो घर की फ्रेंड थी, मतलब उत्तराखंड की कोई फ्रेंड थी, उसने लगाई थी, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। पार्लर वाले भी हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाली इस शादी वाले दिन। तो यहाँ पर तो मतलब गाँव में किसी ने मेरी मेहंदी लगाई, तो दिन से लगाने लगे थे इसलिए वो शूट नहीं हो पाया। लेकिन आप पीछे मैं चमक रही हूँ ना चमक रही हूँ वो अलग रखो, आप मुझे साइड में लेके चलो, लेकिन पीछे जो ये पर्दा है आहा क्या चमक रहा, क्या फूल खिल रहे हैं इस पर, मेरे मन में खिल रहे हो ना खिल रहे हो, मेरे को अंदर से जो मर्जी हो रहा है, लेकिन पीछे मस्त फूल खिल रहे हैं, आप ही देख सकते हो मस्त लग रहे हो। उसको बोला था मम्मी और को बोला कैमरे वाले ने कि पीछे का वो लेके आओ, मतलब बैकग्राउंड बनाने के लिए एक चादर लेके आओ, नई चादर, ऐसे भी नहीं बोला ऐसे, पता क्या बोला, कहते एक चादर दे दो, अगर ऐसे बोलते कि बैकग्राउंड के लिए चाहिए तो कम से कम प्लेन चादर तो देते। मम्मी ने नहीं उठा के बेड से उसी टाइम पर निकाल के ये चादर पकड़ा दी, और चादर का हाल आप देख सकते हो, पीछे मस्त मस्त फूल लगे हुए, आहा मज़ा रहा इनको देखे। मेरे चाचा चाची हैं बाय द वे, आपको पता है शायद, आप लोगों ने देखा भी होगा कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों को दोनों। आई हमारी पूरी फैमिली, मतलब चाचा और उनकी फैमिली। तो ये मेरे चाचा हैं, उनके बच्चे और चाची। चाची कह रही फोटो खिंचवा रहे हैं, वो बार बार नीचे देख रहा है। ये ताऊ जी हैं, ये भी मतलब अपने जैसे एक ही कुटुंब के हैं ना ये सारे भाई, ये मेरे पापा और मेरे चाचा हैं दोनों, कितने प्यारे भाई है ना, कितने अच्छे लग रहे शक्ल में, ठीक है। अरे ये आई मेरी दोनों चाची मम्मी, सॉरी एक चाची चाचा और मम्मी पापा। तो यहाँ पे अब मेरा फोटो शूट चलेगा। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा शर्म सी भी आ रही थी यार, पर क्या करूँ शर्मा के क्या फ़ायदा। और इस मेहंदी वाले किस्से में सबसे मतलब अलग चीज़ पता क्या हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मेहंदी दिन में लग गई थी, फोटोग्राफर काफ़ी लेट आया था, तो उसके बीच में मैंने राहुल को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मतलब मैं इतना वो हो रही थी कि मैं देखूँ अपने पति को जरा कैसा लग रहा है मेहंदी लुक में, लेकिन मजा लो उसने दिखाया। फिर मुझे भी गुस्सा आया और यहाँ सारे मेहंदी लगाने लगे, मैंने कहा चल वो तो इन्जॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं इन्जॉय कर रही अपनी शादी। तो मैं भी गई फिर से नाचने।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे और कोई नाच रहा हो ना नाच रहा हो, लेकिन दुल्हन पे नाच रही, मेरे तो सच में शर्म भी नहीं रहेगी यार, कैसी सी हूँ मैं ना। पर कोई बात नहीं यार, अपनी शादी में इंजॉय नहीं करना तो कब करना, वरना दिमाग में ऐसे ही ख्याल रह जाता है फिर कि यार मैंने तो अपनी शादी इंजॉय भी नहीं की, तो यहाँ पे मस्त नाच रही थी मैं। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राहुल की मेहंदी नहीं दिख रही, मेरी मेहंदी दिख रही, बस बड़ी सिंपल था। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, बड़ी सिंपल तरीके से मेहंदी दिख रही होगी आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन फंक्शन है वो हल्दी से स्टार्ट होते हैं, मेहंदी को इतना वो नहीं बोलते। अभी हमारा जो इलाका है, मतलब काफ़ी पीछे वाला इलाके ऐसे बोल सकते हैं उत्तराखंड में, ये भैया अपने आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे इनको देख के भी हंसी आ रही है, तो इसलिए हमारे इधर मेहंदी को ज़्यादा वो मानते नहीं है, महत्व देते नहीं, एक तरीके से बोल सकते हैं हल्दी से फंक्शन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे फिर भी नाचने के लिए आ गए थे, और आप लोगों को बोर होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल की मेहंदी भी आपको दिखाई जाएगी आगे सीरीज़ में, कंटिन्यू बने रहना, बस एक एक करके आपको सारी सीरीज़ दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर अब आ गए हैं सारे, बड़ी मुश्किल से 3-4 मिले मुझे, और बाद में सारे नाचे लेकिन मैं चली गई थी नीचे, और फोटोग्राफर मुझे नहीं पता कहाँ गुम हो गया था वो, शायद उसने सोचा होगा कि जब तक दुल्हन है तब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जैसे दुल्हन चली जाएगी तो वैसे फिर मैं भी चल जाऊँगा, तो उसके बाद उसने भी रिकॉर्ड नहीं किया जब बाद में सारे आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, साइड से दिख रहा है आपको ताई चाची और कैसे देख रहे हैं मुझे, बोल रहे होंगे ये पात्र कैसी सी है, कैसे नाच रही है अपनी शादी में। उस टाइम पे तो मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन ये देखो कल्पना दीदी का डांस, आहा अलग ही उसमें चल रखे कल्पना दीदी, फुल मतलब नशे में, क्या मज़े आ रखे कल्पना दीदी के हैं, ये देखो आए ना। मुझे तो खैर डांस करना नहीं आता है, मुझे तो पता है, लेकिन कल्पना दीदी को भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लगे हुए थे, फिर भी जितना हमसे हो सकता था उतनी हम कोशिश कर रहे थे, और शायद ये साइड से हमारी वीडियो बना रहे थे, हमें लग रहा था हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब वीडियो देख के मुझे ऐसा लग रहा है ओ यहाँ पे तो रोस्ट होने वाले काम हो रखे, खतरनाक डांस कर रहे थे। लेकिन फिर भी जैसा भी था, खुद को इंजॉय किया हम लोगों ने अपने डांस को साइड में रखते हुए, बल्कि हमें डांस वांस कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर हमने डांस किया, इसका मतलब समझ सकते, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो बोलना बोले, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें क्या है यार, है ना। पर फिर भी ट्राई पूरा किया, ये देखो सबकी धूमपली देख सकते हो आप, कितनी लंबे लंबे बाल हैं यार सबके, मतलब हमारे यहाँ ना सबके पहाड़ों में क्या होता है, लड़कियाँ बाल बहुत कम काटती हैं, तो लड़कियों की सबकी चोटियाँ कितनी अच्छी अच्छी है ना। और यहाँ पे आप सारे देखो ऊपर से लेकर नीचे तक सब देख रहे हैं, लेकिन कोई नाचने नहीं आ रहा, ये सब तब आते हैं नाचने जब कैमरा बंद हो जाता है, गाँव में ऐसे ही होता है, लोग इंतजार करते हैं कि कब कैमरा बंद होगा फिर हम नाचने जाएंगे, पता नहीं क्या सिस्टम है गाँव का, मुझे समझ नहीं आता। ये हमारा घर है, पीछे आपको दिख रहा होगा ना आगे पीछे पूरा, तो ये हमारा गाँव का घर है, और मेरी शादी गाँव में इसलिए हुई थी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना राहुल ने मना किया था, मेरे पति जो है, मेरे हस्बैंड की फैमिली जो भी है, मतलब वहाँ से भी, अब तो खैर मेरी फैमिली है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वहाँ से चंडीगढ़ बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो भी उत्तराखंड में रहते हैं, तो मरखोड़ा से और यहाँ तक का सफ़र, चुठानी तक का सफ़र था 3 घंटे का, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, तो हमें फिर गाँव में शादी करनी पड़ी, वरना हमारे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा था कि सीधा मतलब सब कुछ पता था, और गाँव में फिर भी कई चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है शादी मस्त तरीके से, आप देख सकते हो, और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने अपनी मेहंदी को जितना मैंने किया, आप भी कर रहे हो क्या बताना मुझे कमेंट करके यार। और ये भैया रेड टी शर्ट वाले आप देख रहे हो, अलग ही डांस चल रहा है इनका, ये तो पता नहीं किस लेवल पे डांस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आहा कल्पना दीदी रुक गई, कल्पना दीदी पर स्टॉप लग गया, नहीं नहीं फिर हो गया स्टार्ट, हो गए वो देख रहे थे कि तारा जब नाचेगी मैं तभी नाचूंगी, देखो जैसे मैं नाच रही हूँ तभी उनका पैर खिलक रहा था। और हाँ आप लोगों के लिए अलग अलग सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे आपको आगे व्लॉग में, ये सीरीज़ कंटिन्यू ऐसे चलती रहेंगे, आप यहाँ पे बस अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिल जाए और मेरी शादी की आप पूरी सीरीज़ एंजॉय कर सकें। और ये बच्चा भाई कितना प्यारा नाच रहा था, ये हमारे इधर जागर बोलते हैं, जागर पर नाच रहा था, ये तो अलग ही डांस कर रहा था, इसको देख के ना सारे साइड हो गए, देखो इसको देखने वाला कोई होता ना कि एकदम से फोकस पड़ता है बंदे पर, तो वो वाला डांस था, ये देखो चाचा भी आई, चाचा के बच्चे हैं, बहुत प्यारा बच्चा, ये बहुत अच्छा डांस कर रहा था, इसको देख के ना सारे ऐसे देख रहे थे कर क्या रहा है इतना छोटा सा, और पूरा प्रॉपर जागर कर रहा था, बाकी किसी को आ भी नहीं रहा था ऐसे करना, इसने फोन पे देखा होगा ना, तो सारे यहाँ पे नाचने मस्त मजे कर रहे हैं। और मेरी शादी के टाइम पे सबसे फेमस गाना ये हो रखा था, नाचण को शौकनी पर मजबूरी हो जाती, ढोल दमो सुनी मेरी झिकोड़ी कब लांदी, तो यहाँ पे